अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत हो, आप ये से होंगे। तो भैया, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के मैच बारिश की नज़र होने के बाद ताज़ा तरीन पॉइंट टेबल अपडेट कर दिया है आईसीसी ने। पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो भैया, वीडियो को मज़ीद डिस्कस करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो आपको डेली बेस पर मिलती रहे। तो भैया, न्यूजीलैंड ने दोनों मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर टॉप पोजीशन पर है। न्यूजीलैंड ने अपने दो मैच खेले, दोनों विन किए और इनके नेट रन रेट +2.279 है और इनके पॉइंट्स हैं 4। अगर बात किया नंबर दो की तो नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया की टीम है जिन्होंने दो मैच खेले और दोनों के दोनों विन किए हैं और इनकी नेट रन रेट है +1.059 और इनके पॉइंट्स हैं 4। अगर बात किया नंबर तीन की तो नंबर तीन पर इस वक्त श्रीलंका है जिन्होंने तीन मैच खेले हैं जिनमें एक विन किया, एक लूज़ किया और एक टाइड हुआ और इनके पॉइंट्स हैं 3 और इनकी नेट रन रेट -1.517 है। और अगर नंबर चार की बात की तो नंबर चार पर पाकिस्तानी टीम आती है जिन्होंने तीन मैच खेले हैं और एक विन किया, एक लूज़ किया और एक मैच टाइड हुआ, जिनके साथ इनके पॉइंट्स हुए 3 और इसकी नेट रन रेट -2.412 है। और अगर नंबर पाँच की बात की तो नंबर पाँच पर वेस्ट इंडीज़ की टीम आती है जिन्होंने अपने दो मैच खेले हैं और एक विन किया और एक लूज़ किया और इनके पॉइंट्स हैं 2 और इनकी नेट रन रेट बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का मैच जीता था, इनकी नेट रन रेट +2.054 है। और अगर बात की जाए नंबर छः की तो नंबर छः पर मेज़बान टीम इंग्लैंड आती है जिन्होंने अपने दो मैच खेले हैं, एक विन किया और एक लूज़ किया और इनके पॉइंट्स हैं 2 और इनकी नेट रन रेट +0.900 है। और अगर नंबर सात की बात करें तो नंबर सात पर इंडियन टीम आती है जिन्होंने एक मैच खेला, एक विन किया और इनके पॉइंट्स हैं 2 और इनकी नेट रन रेट है +0.302 है। और अगर नंबर आठ की बात करें तो नंबर आठ पर बांग्लादेश टीम आती है जिन्होंने दो मैच खेले हैं, एक विन किया, एक लूज़ किया और इनके पॉइंट्स हैं 2 और इनकी नेट रन रेट है +0.008। तो भैया, अगर नंबर नौ की बात करें तो नंबर नौ पर साउथ अफ्रीका टीम आती है जिन्होंने तीन मैच खेले, तीन के तीन लूज़ किए और इनके पॉइंट्स हैं 0 और इनकी नेट रन रेट -0.952 है। और अगर नंबर 10 की बात करें तो नंबर 10 पर अफगानिस्तान की टीम आती है जिन्होंने दो मैच खेले, दो के दो ही लूज़ किए और इनके पॉइंट्स हैं 0 और इनकी नेट रन रेट -1.264 है। तो भैया, ये थी पॉइंट टेबल की ताज़ा तरीन सूरत हाल। क्या पाकिस्तान टॉप फोर में क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।